सुप्रभात मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों कोई भी ऑपरेशन होता है या कोई भी प्रोसीजर होता है जिसमें स्किन में कट लगता है अब अगर जब हमें उसकी पट्टी करनी होती है जब उसकी ड्रेसिंग करनी होती है तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम किसी ड्रेसिंग करने वाले के पास किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जा पाते या हम दूर दराज गाँव में रहते हैं छोटे जगह पर रहते हैं और ड्रेसिंग हमें खुद करनी पड़ती है तो किसी भी घाव के बारे में और ड्रेसिंग के बारे में कुछ मूल बातें आइए जानते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम यह समझें कि हमारे स्किन में हमारी चमड़ी में कोई भी घाव बनता है मतलब कट लगा के ऑपरेशन किया गया है तो उसको भरने में अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय लगता है चेहरे के घाव और सिर के घाव सबसे तेज भरते हैं उनमें पाँच से सात दिन का ही समय लगता है पैर के हाथ के घाव दस दिन के करीब का समय लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दो हफ्ते का समय और पेट के सीने के घाव पीठ के घाव इनमें कई बार दो हफ्ते से भी ज़्यादा समय लगता है जब तक ये घाव नहीं भर जाते भर जाने का मतलब होता है कि हमारी जो स्किन है जो हमारी चमड़ी है वो जुड़ नहीं जाती तब तक के लिए हमें इस घाव का ध्यान रखना होता है क्यों क्योंकि अगर वो चमड़ी जुड़ी नहीं है और हम उसे खुला रखेंगे तो उसमें से इन्फेक्शन अंदर जा सकता है सामान्यतः अस्पताल से जब आपकी छुट्टी की जाती है तो यूजुअली उस पर एक ड्रेसिंग रखी जाती है ड्रेसिंग के साथ ही आपको घर भेजा जाता है एक पट्टी लगी होती है आपका काम है उस पट्टी को सुबह शाम एक बार ऊपर से ही देखना कि क्या उसमें कोई स्पॉट कोई धब्बा तो नहीं दिख रहा है जैसे कि इस चित्र में दिख रहा है इस तरह का स्पॉट अगर दिखता है इसका मतलब है कि अंदर से कुछ लिक्विड कुछ फ्लूड या खून हल्का सा निकला है जिसकी वजह से पट्टी थोड़ी सी गीली हो गई है ऐसी स्थिति में पट्टी को तुरंत चेंज करना चाहिए तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि गीली पट्टी हमेशा इन्फेक्शन को ग्रो करने में हमारे वहाँ पे किसी तरह के संक्रमण को बढ़ने में मदद करती है इसीलिए एक नियम हमेशा फॉलो करना है अगर पट्टी किसी भी कारण से गिली हो जाए चाहे वो अंदरूनी कोई लिक्विड आने की वजह से पस आने की वजह से पानी आने की वजह से या ऊपर से जैसे खाना खाते समय अगर उस पर पानी गिर गया या बच्चे ने कुछ गिरा दिया या बहुत पसीने से ही अगर पट्टी गीली हो गई है गीली पट्टी को हमें लगाकर घाव पर नहीं रखना है वो इन्फेक्शन का एक बड़ा सोर्स होता है पट्टी अगर बार बार गीली हो रही है तो हमें उसको बार बार चेंज करना है दूसरी बात यह है कि जो पट्टी अंदर से गीली हो रही है हर बार जब घाव से कोई पानी निकलता है तो जरूरी नहीं है कि वो पस हो वो मवाद हो मवाद हम सामान्यतया संक्रमित जो फ्लूड निकलता है संक्रमित पानी निकलता है या गाढ़ा पदार्थ निकलता है पीले रंग का उसी को हम पस कहते हैं या मवाद कहते हैं मवाद इन्फेक्शन को बताता है 80-90 प्रतिशत केसेस में किसी भी घाव को हल्का सा दबाने पे जो पानी निकलता है वो बेसिकली स्किन के नीचे चमड़ी के नीचे की चर्बी या फैट होता है जो गल के थोड़ी सी निकलती है या कभी कभी सीरम एक खून का ही एक प्रकार होता है या जमा हुआ खून जो होता है वो निकल जाता है इसमें कोई बुराई नहीं है इसमें कोई डरने की बात नहीं है घाव को जब भी पट्टी करते हैं तो हल्का सा कंप्रेस करके देखने का यही मकसद है कि घाव के दो छोरों के बीच में जो एंड्स के बीच में जो भी कलेक्टेड चीज़ हो जो भी इकट्ठी चीज़ हो वो अगर निकल जाए तो वो घाव को भरने में मदद करती है सामान्यतया अगर आपके घाव में इन्फेक्शन है तो घाव को दबाने से या अपने आप भी गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता है जिसको हम पस कहते हैं और आपको साथ साथ ये पीले पदार्थ निकलने के साथ साथ आपको बुखार आना ऑपरेशन की जगह पे दर्द होना कुछ ज़्यादा ही दर्द होना और वहाँ पे टच करने पे, छूने पे बहुत ज़्यादा टेंडरनेस बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा रहती है कि आपको ज़रा सा छूने पे दर्द हो रहा है और आपको बार बार बुखार आ रहा है अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो आप समझ जाइए कि आपका जो भी घाव है उसमें इन्फेक्शन हो गया है और उसको तुरंत एंटीबायोटिक से दवाइयों से ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है अगर आपके घाव में ड्रेसिंग करने पे, पट्टी करने पे, जैसे कि पट्टी गीली हो गई या दबाने पे, दबा के जब हम पट्टी करते हैं तो उस स्थिति में अगर बार बार पानी आ रहा है तो हमें पट्टी बदलते रहें बदलते रहें लेकिन अगर चार दिन हो गए पाँच दिन हो गए और वो पानी नहीं सूख रहा है पानी आ ही रहा है आपको निश्चित रूप से किसी डॉक्टर को या अपने सर्जन को जिसने भी ये ऑपरेशन किया है उन्हें संपर्क करना चाहिए क्योंकि बार बार पानी आना ये बताता है कि अंदर कुछ गड़बड़ी है और इस गड़बड़ी को तुरंत अटेंड करने से ये समस्या समय से सॉल्व हो जाएगी इससे पहले कि वो घाव इन्फेक्टेड हो जाए एक ही पट्टी को लगे रहना रहने देना बिल्कुल सही नहीं है अगर पट्टी होती है और पट्टी गीली नहीं होती तो सामान्यतया दो दिन का गैप करके तीसरे दिन पट्टी चेंज कर लेनी चाहिए उससे इन्फेक्शन ग्रो करने की संभावना कम रहती है और अगर पट्टी जैसे मैंने बताया अगर पट्टी गीली हो रही है तो हो सकता है आपको बार बार गीली होने पे दिन में दो बार चेंज करना पड़े तीन बार चेंज करना पड़े लेकिन ये चेंज करना बहुत आवश्यक है पट्टी करना या ड्रेसिंग करने के विषय में कुछ मूलभूत टेक्निक मैं आपको टेक्निकल पॉइंट्स बता देता हूँ सामान्यतया जो ड्रेसिंग का मटेरियल आता है वो पैकेट में आता है इसे हम पीस कहते हैं हमें रुई से कॉटन से ड्रेसिंग को अवॉइड करना चाहिए जो रुई होता है उसमें बहुत बारीक रेशे होते हैं और वो रेशे घाव के किनारे में टाँकों में फंस जाते हैं और बार बार पट्टी करते करने पे वो फंसे हुए रेशों की मात्रा बढ़ती है और वो फिर घाव को हील होने में घाव को भरने में रुकावट डालते हैं दूसरा जो पीस होते हैं आ, वो जैसे मैंने बताया कि वो साफ़ सुथरे पैकेट में स्टराइल पैकेट कहते हैं उनमें बंद होते हैं तो उन्हें हमें बहुत सावधानी से इस तरह खोलना चाहिए कि हम खुद से जो उस ड्रेसिंग को ओपन कर रहा है जो उस पट्टी को खोल रहा है या जो उस पैकेट को खोल रहा है वो उसे टच ना करे। जो ड्रेसिंग कर रहा है वही व्यक्ति केवल दस्ताने पहन के ग्लव्स पहन के उस ड्रेसिंग को उस गॉज पीस को टच करे जो पट्टी है वो पट्टी चूँकि गंदी है जो लगी हुई पट्टी है वो गंदी है इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति वो उसे निकाले और जो ड्रेसिंग के लिए जो सामान यूज़ किया जा रहा है वो भी एक दूसरा व्यक्ति जो असिस्ट कर रहा है जो हेल्प कर रहा है वही सामान दे जो दस्ताने पहना हुआ व्यक्ति है उसे उस दस्ताने को मरीज़ के घाव के हिस्से के अलावा कहीं भी टच नहीं करना चाहिए तो वो जो ग्लव्स है वो जो दस्ताना है वो स्टराइल बना रहता है और मरीज़ को आपके द्वारा इन्फेक्शन होने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं तो ये जो ग्लव्स है इसको पहनने का एक विशेष तरीका होता है इस तरीके से अगर आप उसे पहनते हैं तो इसका बाहरी हिस्सा जो है वो कहीं भी टच नहीं होता और आप आराम से उससे ड्रेसिंग का यूज़ कर सकते हैं आप जब भी ग्लव्स पहनते हैं तो आप कोशिश करें कि जो उंगलियों वाला हिस्सा है जो दस्ताने का उंगलियों वाला हिस्सा है वो ना आपके फिंगर से टच हो ना किसी बाहरी चीज़ से टच हो उसे पहनते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें और इन उंगलियों वाले हिस्से को जैसा कि मैंने बताया केवल मरीज के स्किन जो घाव वाला हिस्सा है केवल उसी को टच करने में और पट्टी का सामान जो साफ़ सुथरा है उसको टच करने में यूज़ करें बाकी कहीं भी स्पर्श नहीं होना चाहिए नहीं तो इन्फेक्शन दूसरी सतह से आपके घाव पे आ जाएगा पट्टी करते समय गॉज पीस का ही उसी जो पट्टी का सामान है उसको छोटा सा रोल बना के और उस रोल से हल्का सा दबाव बनाते हुए ड्रेसिंग करके और दबाव बनाते हुए हम अगर उसे घुमाएं तो कुछ भी अंदर इकट्ठा पानी जो है वो निकल जाता है जैसे मैंने बताया कि ये निकला हुआ पानी जो है वो हेल्प करता है घाव को भरने में क्योंकि अंदर कोई चीज़ इकट्ठी होती है तो वो घाव को भरने नहीं देती जब हम दबा के उसे निकाल लेते हैं तो घाव भर जाता है जो पानी निकल रहा है अगर वो पानी निकलता है तो इसका मतलब है कि अंदर कुछ कलेक्शन था इस बात की संभावना हो सकती है कि फिर से इकट्ठा हो तो अगली बार फिर से दबा के देखें लेकिन अगर कोई पानी नहीं निकलता इसका मतलब घाव स्वस्थ है और आपकी हीलिंग की प्रोसेस जो है घाव भरने की प्रक्रिया है वो ठीक चल रही है अगर आपको ये संदेह है कि घाव से पस आ रहा है पका हुआ पीला पदार्थ निकल रहा है गाढ़ा पीला पदार्थ निकल रहा है और मरीज को फीवरिश लग रहा है बुखार जैसा लग रहा है या जैसे मैंने लक्षण बताया कि उसको दर्द ज़्यादा हो रहा है ऐसी स्थिति में रोज़ाना पट्टी करनी है आपको तुरंत किसी डॉक्टर को नियर बाय फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए और कुछ एंटीबायोटिक वो आपको शुरू कर सकते हैं साथ ही अगर संभव हो तो वो पस के पस का एक सैंपल वो जो मवाद निकल रहा है उसका एक सैंपल इन्फेक्शन कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है ये पता लगाने के लिए हम कल्चर की जांच दे सकते हैं जिसे पस कल्चर सेंसिटिविटी कहते हैं ये सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं होती पर अगर उपलब्ध हो तो ये आपके ट्रीटमेंट में मदद कर सकती है जो घाव में टाँके लगे होते हैं कई मरीजों को आ, ऐसा लगता है कि जो गलने वाले टाँके हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं जो कटने वाले टाँके हैं उनसे गलने वाले टाँके ज़्यादा बेहतर होते हैं वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता जो गलने वाले टाँके होते हैं वो उन मरीजों में सामान्यतया लगाए जाते हैं जिन मरीजों में इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं जब किसी घाव में जैसे बहुत पोअली कंट्रोल डायबिटिक है या हमें ऐसा लगता है कि घाव के भरने में कुछ संदेह है या मरीज़ की इम्यून पावर कम है तो ऐसे व्यक्तियों में कटने वाले टाँके ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं बहुत सारे टेक्निकल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कटने वाले या घुलने वाले टाँके लगा जा सकते हैं लेकिन आउटकम में रिजल्ट में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और टाँके काटने में भी कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं होती ये दो मिनट का प्रोसीजर होता है आराम से टाँके कट जाते हैं हम कैसे समझें कि घाव सूख गया है हमारा अगर ड्रेसिंग करने पे बार बार ड्रेसिंग करने पे पट्टी में किसी तरह का गीलापन नहीं है और दबा हल्का दबाव से ड्रेसिंग करने पे भी कोई पानी नहीं आ रहा है तो सामान्यतया ये इंडिकेशन होता है ये बताता है कि हमारा घाव सूख गया है एक हफ्ता सामान्यतया समय लगता है किसी घाव को सूखने में सूखने का मतलब होता है कि ऊपर की चमड़ी की जो सतह है सबसे ऊपरी सतह जिसे अपिथिलियम कहते हैं वो जुड़ चुकी है अगर उसमें से पानी आ रहा है किसी भी तरह का सिक्रीशन आ रहा है इसका मतलब अभी वो सेल्फेस नहीं जुड़ी है और अभी ड्रेसिंग की आवश्यकता है एक बेसिक मूलभूत नियम याद रखें अगर घाव से कुछ भी किसी भी तरह का सिक्रीशन आ रहा है पानी आ रहा है तो उस घाव को पट्टी की आवश्यकता है जब तक कि ये पूरी तरह से सूख ना जाए एक बहुत सामान्य प्रश्न रहता है ड्रेसिंग के बारे में कि क्या घाव पे पानी डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए इसके विषय में भिन्न भिन्न कॉन्सेप्ट हैं एक मोटी मोटी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि हफ्ते दस दिन का समय जब निकल जाता है और आपके घाव से किसी भी तरह का पानी नहीं आ रहा है आप उस पर पानी डाल सकते हैं उसे धो सकते हैं और इवन साबुन से भी क्लीन कर सकते हैं बस शर्त इतनी है कि आप उसी उसकी सफाई अच्छे से करें पानी अच्छे से डालें उसमें संकोच ना करें लेकिन अगर घाव से पानी आ रहा है आप वॉश तो तब भी कर सकते हैं लेकिन उसमें यह है कि साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए नहीं तो उसी पानी से आपको इन्फेक्शन हो सकता है तो मैं पर्सनली जो दूर दराज के इलाके में मरीज़ रहते हैं उनको मैं सलाह देता हूँ कि आप रेगुलर ड्रेसिंग करें घाव के किस जगह है उस हिसाब से दो हफ़्ते या तीन हफ़्ते का समय देता हूँ जब तक टाँके ना कट जाए और टाँके कटने के बाद मैं उन्हें पानी डालने की सलाह देता हूँ लेकिन बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जो हफ्ते भर के बाद ही मरीज़ को कहते हैं कि आप नहा सकते हो धो सकते हो ये अलग अलग इंस्टीट्यूट के अपने अपने प्रोटोकॉल होते हैं कई बार घाव की जो कर जो निशान होता है उस पर पपड़ी जम जाती है काले रंग की पपड़ी जम जाती है यह एक सामान्य प्रोसेस है इसमें बहुत चिंतित होने की बात नहीं है आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर बहुत पप पतली पपड़ी जमी है या घाव के पूरे निशान में छोटे से हिस्से में पपड़ी जमी है सामान्यतः वो पपड़ी सूख कर खुद बखुद निकल जाती है लेकिन जो डायबिटिक व्यक्ति होते हैं जिन व्यक्तियों को शुगर की बीमारी है उन व्यक्तियों में कई बार अगर पपड़ी की सतह मोटी है तो वो पपड़ी की सतह इतनी ड्राई और हार्ड हो जाती है इतनी सूखी हुई हो जाती है कि उस पपड़ी के नीचे इन्फेक्शन ग्रो करने लगता है ऐसी स्थिति में अगर आप डायबिटिक हैं और एक मोटी पपड़ी आपके घाव पे जमी हुई है तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है कि आप उस पपड़ी को निकलवा लें और उस पपड़ी को निकालने से क्या घाव को वापस से हीलिंग के लिए जगह मिल जाती है भरने के लिए जगह मिल जाती है और उसमें इन्फेक्शन ग्रो होने की संभावना कम होती है इसीलिए हमेशा अगर डायबिटिक पेशेंट हैं आप और आपकी पपड़ी बहुत दिन से वहीं लगी हुई है वो नहीं निकल रही है तो इससे निश्चिंत ना रहें कई बार वो इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है तो अगर उससे पस आ रहा है या आपको लग रहा है कि बहुत समय हो गया दो हफ्ते हो गए तीन हफ्ते वो पपड़ी वहीं के वहीं चिपकी हुई है तो बेहतर है कि एक बार डॉक्टर को दिखा के और वो पपड़ी निकलवा लें जैसा कि मैंने बताया कि घाव से अगर आपके पानी आ रहा है और वो बार बार आ रहा है दिन में दो बार आ रहा है आपकी पट्टी बार बार गीली हो जा रही है और ऐसा चार दिन पाँच दिन हो गए और बार बार ऐसा हो रहा है वो चाहे कहीं का भी घाव इसका मतलब है कि उस घाव के नीचे कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही है जो उस घाव को भरने नहीं दे रही है आपको निश्चित रूप से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए जल्दी घाव की केयर समय से घाव की केयर आपको बड़े कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है एक बार आपका घाव सूख जाता है तो आपको एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं रह जाती सामान्यतया हफ्ते दिन देकर एंटीबायोटिक बंद कर दिया जाता है अगर घाव से पानी आ रहा है या इन्फेक्शन है किसी तरह का तो एंटीबायोटिक को फिर कंटिन्यू किया जाता है हर एक व्यक्ति के बॉडी की संरचना के हिसाब से उसके इम्यून सिस्टम के हिसाब से उसके डायबिटीज़ के लेवल के हिसाब से एंटीबायोटिक का कोर्स तय होता है एक बार जब आपका घाव सूख जाता है उसको सूखने के बाद आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि वो निशान जो है वो चाहे शरीर में किसी भी हिस्से में हो उस पर कुछ मॉइस्चराइज़र या क्रीम या नारियल का तेल या सरसों का तेल कोई कोई एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट जरूर लगाना चाहिए ताकि उस घाव में खिंचाव ना हो उसकी हीलिंग जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा अच्छी रहे और अधिकांशता देखा गया है कि अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो वो निशान भी ना के बराबर हो जाता है मिनिमम हो जाता है आज के वीडियो में हमने जाना कि घाव की किस तरह से केयर करनी चाहिए हमें पट्टी करने के लिए दस्ताने किस तरह पहनने चाहिए पट्टी को किस तरह हैंडल करना चाहिए घाव से पानी आना ज़रूरी नहीं है कि हर बार पस हो कब हमें डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए कितनी जल्दी जल्दी हमें ड्रेसिंग करनी चाहिए और ड्रेसिंग के बारे में कुछ मूलभूत बातों की मैंने जानकारी दी उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर तब तक के लिए नमस्कार